हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा अज असी करांगे बोलजानो रूट लोकेशन थ्योरम। लेकिन उस तो पहला असी डेफिनेशन करांगे लीस्ट अपर बाउंड दी। लेट एस बी दी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर। एस कोई बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड यू बिलोंग्स टू आर। यू कोई रियल नंबर आ, इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड विच कैन आल्सो, वी कैन आल्सो से दैट लीस्ट अमंग अपर बाउंड्स। अपर बाउंड्स दे विचों लीस्ट ऑफ एस इफ x is less than equal to u for all x belongs to s। s दे विच जिन्ने भी एलिमेंट्स ने, s की है एक बाउंडेड अबव सबसेट आ। s दे विच जिन्ने भी एलिमेंट ने u उन्हां सब दे विचों वड्डा, x is less मतलब s दे जिन्ने भी एलिमेंट ने सारे एलिमेंट u तो छोटे ने। इट मीन्स u इज अपर बाउंड्स ऑफ s। सेकेंड, इफ यू डैश इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, अगर एस की कोई होर अपर बाउंड है, देन यू डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, मीन्स यू इज लैस देन इक्वल टू यू डैश। देन यू नू असी की बोलांगे, देन यू इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। एंड नंबर यू इज आल्सो कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ एस। यू नू असी सुप्रीमम भी बोल देने हैं या लीस्ट अपर बाउंड बोल देने हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय सुप्रीमम सुपर एस। नाउ अगर असी इनू समझन की कोशिश करिए विद एग्जाम्पल, आर कोई सैट ऑफ रियल नंबर आ, ते एस अगर उदा कोई सबसेट आ। अगर मैं कोई सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करा, जीरो क्लोज इंटरवल कंसिडर किया, जीरो टू टेन विच इज बाउंडेड अबव। तुम माइनस इनफिनिटी तो टेन भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन बाउंडेड अबव होना चाहिए। क्लीयरली सैट दे एस एलीमेंट दे, एस दे जिन्ने भी एलीमेंट्स ने, ऑल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स इज लैस दैन इक्वल टू टेन। इहदा मतलब यह हो गया कि टेन की हो गया अपर बाउंड हो गया। डेफिनेशन नूं ध्यान नाल देखो, फर्स्ट कंडीशन की सी, फर्स्ट कंडीशन की सी कि जिन्ने भी एलीमेंट्स दे ने एस दे वो सारे यू तो छोटे होने चाहिए ने। दूजी गल, यू डैश अगर कोई होर अपर बाउंड है, देखो इतो ये तो हो गया कि टेन इज अपर बाउंड ऑफ एस। असी ये भी कह सकते हैं, देखो यू डैश इज अनदर अपर बाउंड, मतलब एक होर, जिमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10.1 की गल करा, यू डैश नू अगर मैं 10.1 कंसिडर करा, नाउ आई कैन से दैट एक्स इज लैस दैन इक्वल टू यू डैश आल्सो। यू डैश की वैल्यू 11 भी हो सकती है। क्लीयरली एक्स इज लैस दैन इक्वल टू 11 फॉर ऑल एक्स, एस दे जिन्ने भी एलीमेंट ने सारे 11 तो छोटे ने, सैट दे सारे एलीमेंट 10.1 तो भी छोटे ने, तो बाई डेफिनेशन 10 भी अपर बाउंड होगी, 10.1 भी अपर बाउंड आ, 10.2 भी अपर बाउंड होएगा, 11 भी अपर बाउंड आ, 11.1 11, ये सारे नंबर की ने तुहाडे कोल अपर बाउंड। तो इहदा मतलब अपर बाउंड बहुत सारिया हो गई। इन्हां सारिया अपर बाउंड दे विचों सब तो छोटी अपर बाउंड केड़ी आ? इन्हां सारिया अपर बाउंड दे विचों सब तो छोटी अपर बाउंड है 10। सो 10 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सैट, जिन्हों असी यह भी कह सकते हैं सुप्रीमम सुप एस इज इक्वल टू 10। यह तो होगी स्टूडेंट लीस्ट अपर बाउंड। अगर असी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की गल करिए, सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दे विच साडे कोल की आ जाएगा, एस कोई सैट आ विच इज बाउंडेड बिलो, एस की होगा बाउंडेड बिलो, मीन अगर मैं कोई सैट कंसिडर करा एस, इट कैन बी 0 टू इन्फिनिटी, इट कैन बी 0 टू 10, इट कैन बी 0 टू 20 एंड सो ऑन, 0 टू इन्फिनिटी भी हो सकता है। नाउ इट इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो होना जरूरी है अगर असी
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की गल करनी है। सो बाय डेफिनेशन एक्स दे जिन्ने भी एलीमेंट ने हुन एल तो वड्डे होंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू एल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, दैन एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस। हुन एस दे जिन्ने भी एलीमेंट ने वो सारे की ने जीरो तो वड्डे ने, सो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। इहदा मतलब यह हो गया कि जे असी लोअर बाउंड की गल करिए जीरो इज द लोअर बाउंड। आलसो आलसो माइनस 0.1 भी इहदी लोअर बाउंड आ, क्योंकि सैट के जिने भी एलीमेंट ने माइनस 0.1 तो 0.1 तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ने। ओके माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस 1 ये सारिया की ने लोअर बाउंड माइनस 2 एंड सो ऑन। इन्हां सारिया लोअर बाउंड दे विचों सब तो वड्डी केड़ी आ जीरो। सो जीरो नूं असीं बोलांगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस विच इज जीरो। इट इज आलसो डिनोटेड बाय इनफीमम ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नाउ आई कम टू मेन थ्योरम बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम। रूट दी लोकेशन, रूट लोकेशन थ्योरम मीन्स रूट दी असी लोकेशन दसनी आ कि किसी पॉलीनोमियल दा किसी कंटीन्यूअस फंक्शन दा रूट किद्दां फाइंड किया जा सकता। नाउ बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम स्टेट एंड प्रूव आएगा। नाउ स्टेटमेंट इज एफ कोई कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन आ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। एफ ऑफ ए ते एफ ऑफ बी दा ऑपोजिट साइन आ, मतलब या तो एफ ए पॉजिटिव आ एफ बी नैगेटिव आ, या फिर यह हो सकता कि एफ ए नैगेटिव आ एंड एफ ऑफ बी आर एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव, या ये भी आ सकता कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी दी प्रोडक्ट नैगेटिव आ, प्रोडक्ट नैगेटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नैगेटिव आ दैन प्रोडक्ट की आएगी नैगेटिव। दैन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होएगा जिस पॉइंट ते एफ ऑफ सी की होएगा जीरो, मतलब सी की हो गया एफ एक्स का रूट। ओके सी इज दी रूट ऑफ दी फंक्शन एफ एक्स। हुण एफ ऑफ ए ते एफ ऑफ बी ऑपोजिट साइन दे ने, या तो एफ ए पॉजिटिव होएगा या नैगेटिव होएगा, अगर एफ ए नैगेटिव आ तो एफ बी पॉजिटिव आ, ये पॉजिटिव आ तो नैगेटिव हो गया। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी लेट अस अज्यूम दैट कि एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बी इज नैगेटिव। नाउ अगर असी इनू ग्राफिकली समझन की कोशिश करिए, फंक्शन कंटिन्यूज आ ए तो लैके बी तक, एफ कोई कंटिन्यूज फंक्शन आ, अगर असी अज्यूम कर ले एफ ए पॉजिटिव है तो मतलब एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ तो एफ ऑफ बी नैगेटिव आ, फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूज है तो मतलब इदा का कोई इदा का कुछ हो सकता ग्राफ। नाउ तो कह रहा कि ए तो लैके बी तक एक पॉइंट इदा का जरूर होएगा वेयर एफ सी इज इक्वल टू जीरो, मीनस ए वाला पॉइंट सी एक असी फाइंड करना जिस पॉइंट ते क्लीयरली अगर फंक्शन कंटिन्यूज है ना तो फिर एक पॉइंट जरूर होएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूज नहीं है दैन असी फिर नहीं कह सकते कि सी कोई इदा का तुहानू जरूर मिलेगा पॉइंट जिथे एफ ऑफ सी जीरो होएगा, क्योंकि मे बी हो सकता कि एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ एफ ऑफ बी नैगेटिव आ। अगर फंक्शन कंटिन्यूज ही है नहीं तो हो सकता इतने अगे ग्राफ ब्रेक हो जाए, अगर ग्राफ सी जिथे जीरो बनना सी उथे ब्रेक हो गया फिर तो तुहानू सी कोई लभना नहीं। सो इसलिए कंडीशन ये जरूरी है कि फंक्शन ए तो लैके बी तक कंटिन्यूज होना चाहिए। ओके नाउ वी आर टू फाइंड दी सी। नाउ हुण असी प्रूफ स्टार्ट करन लगे, सब तो पहला तो असी अज्यूम कर लिया कि एफ ऑफ ए पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बी नैगेटिव आ। नाउ लेट
ई एक सैट कंसिडर किया एक्स सच दैट एक्स बिलोंगस टू सैमी क्लोज इंटरबल ए बी एंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो। असी एक ई सैट कंसिडर किया जिदे विचो सारे पॉइंट एक्स जिथे एफ एक्स ग्रेट जिथे जिथे एफ एक्स पॉजिटिव आ ते पॉइंट भी जेड़े कंसिडर करने ने फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू ए हुण जेड़े पॉइंट आते एफ एक्स पॉजिटिव आ मीन एदे विच केड़े केड़े पॉइंट आ जाएंगे। एक तो ए पक्का आ जाएगा क्योंकि ए एफ ऑफ ए की है पॉजिटिव एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस सैमी क्लोज इंटरवल क्योंकि ए तो इनकलूड करना बी नहीं इनकलूड करना सी क्योंकि बी से तो एफ ऑफ बी तो नैगेटिव आ श्योर आ। सो सारे पॉइंट इतो ए तो लैके कि सारे पॉइंट थोड़े तो को इस इंटरवल के विचकार आ जाएंगे ठीक है। नाउ क्लीयरली क्लीयरली ए बिलोंग्स टू ई ए बिलोंग्स टू ई क्योंकि एफ ऑफ ए पॉजिटिव भी है इस इंटरवल में भी बिलोंग करता। सो वी कैन से दैट ई इज ए नॉन एम्प्टी सैट इज ए नॉन एम्प्टी सैट आल्सो ई इज ए सबसेट ऑफ सेमी क्लोज इंटरवल ए बी बिकॉज दिस सैट इज दिस इंटरवल इज बाउंडेड देयर फॉर ई भी बाउंडेड होगा क्योंकि ई तो इसका सबसेट आ। वी कैन से दैट ई इज बाउंडेड अगर बाउंडेड आ तो उसकी कोई लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी अगर कोई बाउंडेड सैट आ तो उसकी लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगी जिदा कि असी एग्जाम्पल कंसिडर किया। हाँ अगर वह बाउंडेड नहीं है बाउंडेड अबव आ फिर उसकी लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगी ओके लेकिन कि अगर बाउंडेड का मतलब बाउंडेड अबव एज वैल एज बाउंडेड बिलो सो लीस्ट अपर बाउंड से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों होनगियां। नाउ लेट अस अज्यूम के लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई एग्जिस्ट एंड से सी इज द लीस्ट अपर बाउंड मीन्स सुप्रीमम ऑफ ई। नाउ वी विल शो दैट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। हुण असीं इह शो करना भी सी ही उही पॉइंट आ वेयर एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो या ये कह लो कि असी ये प्रूव करना सी इज द रूट ऑफ द रूट ऑफ एफ एक्स। नाउ वी आर टू शो दैट सी इज नॉट इक्वल टू ए दिस इज टू बी प्रूव टू शो एंड सेकेंड मीन सी इज नॉट इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी आल्सो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। नाउ सिंस अगर असी फर्स्ट पार्ट की गल करिए सिंस एफ ऑफ ए इज ग्रेटर दैन जीरो तो अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर दैन जीरो है असी एक थ्योरम कीती सी प्रीवियस वीडियोज दे विच कि अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है दैन ए दी कोई नेबरहुड जरूर होएगी वेयर एफ एक्स इज पॉजिटिव। अगर एफ ऑफ सी नैगेटिव है तो ए दी नेबरहुड होएगी जिथे एफ एक्स की होएगा नैगेटिव। नाउ बिकॉज एफ ए इज नैगेटिव देयर फोर देयर एग्जिस्ट नेबरहुड देयर इज डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस डेल्टा। नाउ फॉर एग्जाम्पल जो असी गल करिए डेल्टा कोई इदा का नंबर असी लभ लिया ठीक है कि एफ एक्स पॉजिटिव आ फ्रॉम ए टू ए प्लस डेल्टा डेल्टा ए वाला भी नंबर हो सकता इतों भी थोड़े को आ सकता। नाउ क्लीयरली ए कॉमा ए प्लस डेल्टा इज सबसैट ऑफ ई सबसैट हो गया ई का देयर फोर इहदी लीस्ट अपर बाउंड अगर ए सबसैट आ बी का दैन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इज लैस दैन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी।
अगर ए बी दा सबसेट आ देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी. सो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट विल बी लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई. नो इस सेट की अगर आप लीस्ट अपर बाउंड की गल करिए दैट इज ए प्लस डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू सी, क्योंकि ई की लीस्ट अपर बाउंड सी है, इस सेट की लीस्ट अपर बाउंड ए प्लस डेल्टा है. नाउ वी हैव ए प्लस डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू सी आल्सो ए प्लस डेल्टा, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव नंबर आ, क्लियरली ए प्लस डेल्टा विल बी ग्रेटर देन ए. सो वी कैन से दैट ए इज लेस देन सी मीन्स सी इज नॉट इक्वल टू ए, सी इज नॉट इक्वल टू ए. सो फर्स्ट पार्ट का सी प्रूव करता कि सी इज नॉट इक्वल टू ए. नाउ सेकेंड पार्ट की अगर असी गल करिए वी आर टू इफ या ए असी लेट कर लिए कि इफ पॉसिबल लेट एफ ऑफ सी इज पॉजिटिव, असी अज्यूम कर लिया कि एफ ऑफ सी की है पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव आ अगेन यूजिंग प्रीवियस थ्योरम जिहड़ी कि असी प्रीवियस वीडियो दे विच कीती सी कि अगर एफ ऑफ सी दा साइन पॉजिटिव है दैन सी दी कोई नेबरहुड होएगी वेयर एफ एक्स दा साइन भी उही होएगा जो एफ ऑफ सी दा है. सो देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा डैश सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा डैश सी प्लस डेल्टा डैश. नाउ क्लियरली सी माइनस डेल्टा डैश कॉमा सी प्लस डेल्टा डैश इज ए सबसेट ऑफ ई. तो जिदा कि असी पहला किया लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सैट इज लैस दैन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई. सो एक स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं दैट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस वन इज लैस दैन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई मीन्स सी प्लस डेल्टा डैश इज लैस दैन इक्वल टू सी. सी ना सी कैंसल कर दिए दैन डेल्टा डैश इज लैस दैन इक्वल टू जीरो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डेल्टा डैश इज ग्रेटर दैन जीरो देयर फोर एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल ग्रेटर दैन जीरो. एफ ऑफ जेड़ा सी है जीरो तो ग्रेटर नहीं हो सकता. देखो असी ये पार्ट प्रूव करता कि सी इज नॉट इक्वल टू ए सी एफ ऑफ सी इज नॉट ग्रेटर दैन जीरो. सिमिलरली इन दिस वे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि सी इज नॉट इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ सी इज नॉट लेस दैन जीरो. ठीक है. सो इहदा मतलब यह हो गया कि एफ ऑफ सी अगर ग्रेटर दैन जीरो भी नहीं है तो लैस दैन जीरो भी नहीं है इहदा मतलब की होएगा देयर फोर एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी होएगी जीरो. एफ ऑफ सी की होएगा जीरो. सो यही असी प्रूव करना सी. ओके सो बेटा इहदी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तुहानूं स्टेट एंड प्रूव थ्योरम आ सकती है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. नाउ असी हुण इहदे क्वेश्चंस करांगे कुछ इहदे नाल रिलेटेड. नाउ द क्वेश्चन इज लेट एफ एंड जी बी टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन जी ऑफ ए. दो फंक्शन ने कंटिन्यूस फंक्शन ने सच दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन जी ए बट एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन जी बी. Then show that there exists C belongs to open interval AB such that F of C is equal to GC. Now consider a function HX. एक function let कर लो let HX is equal to FX minus GX for all X belongs to closed interval AB. F एक नवा function consider किया FX minus GX. ठीक है. ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਐਕਸ ਵੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਾ ਬਿਕੋਜ ਐਫ ਐਂਡ ਜੀ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਦੇਅਰ ਡੋਮੇਨ.
सो क्लीयरली बिकॉज एफ एंड जी आर तुसी लिखना है अब बिकॉज एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी देयर फोर एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ एच ऑफ ए की अगर असी गल करिए दैट इज एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए. नाउ एफ ऑफ ए इज लैस दैन जी ए. अगर एफ ए जी ए तो छोटा देन एफ ऑफ ए माइनस जी ए की होगा लैस दैन जीरो. सो दिस विल बिकम लैस दैन जीरो. एंड अगर असी एच ऑफ बी की गल करिए दैट इज एफ ऑफ बी माइनस जी ऑफ बी. एंड एफ ऑफ बी इज ग्रेटर दैन जी ऑफ बी तो देर फोर एफ ऑफ बी माइनस जी बी इज ग्रेटर दैन जीरो. नाउ देखो स्टूडेंट एच ऑफ ए इज नेगेटिव एंड एच ऑफ बी इज पॉजिटिव. एच एक्स फंक्शन कंटिन्यूज भी आ एच ए ते एच बी का ऑपोजिट साइन भी आ देर फोर बाय बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एच ऑफ सी की वैल्यू की होगी जीरो. अगर एच ऑफ सी जीरो है यदा मतलब एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी जीरो होगा यदा विच इज इक्वल देयर फोर एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जी ऑफ सी हेंस प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द इक्वेशन साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वन हैज रियल रूट. नाउ कंसिडर एफ एक्स कंसिडर करो विच इज साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वन. असी ये शो करना कि इस इक्वेशन का एक रियल रूट है. ठीक है. सो रूट लोकेशन थ्योरम नाल वी कैन फाइंड द रूट बट वो तो कंडीशन पहला फुल करनी पैनगियां फुलफिल के फंक्शन कंटिन्यूज होना चाहिए क्लीयरली इट इज कंटिन्यूज क्योंकि साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूज एक्स बीइंग ए पॉलीनोमियल कंटिन्यूज दिस इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन. सो ये जेडे तिने फंक्शन ने इट इज कंटिन्यूज फॉर ऑल रियल नंबर. सो इस अगर रियल नंबर से कंटिन्यूज ने मतलब कोई भी इंटरवल कंसिडर करिए क्लोज इंटरवल तो उत्थे भी कंटिन्यूज होंगे. लेकिन हुण असी सैकेंड कंडीशन ये देखनी है भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ऑपोजिट साइन दे फाइंड करने ने मतलब तुसी एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना जिस पॉइंट ते एफ एक्स की वैल्यू नैगेटिव आ ते एक पॉइंट असी ऐसा देखना जिस पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू की आ पॉजिटिव तो फिर असी उसी इंटरवल दे विच रूट लोकेशन थ्योरम अप्लाई कर दांगे. नाउ क्लीयरली एफ ऑफ जीरो की अगर असी गल करिए साइन जीरो माइनस जीरो प्लस वन साइन जीरो इज जीरो माइनस जीरो प्लस वन विच इज वन ग्रेटर दैन जीरो वन इज पॉजिटिव नंबर. एंड एफ ऑफ थ्री पाई बाय टू की अगर असी गल करिए एफ ऑफ थ्री पाई बाय टू तुसी एफ ऑफ पाई भी कंसिडर कर सकते हो. अगर असी एफ ओ पाई की गल करिए दैट इज साइन पाई माइनस पाई प्लस वन साइन पाई जीरो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली तुहानू पता ही है कि 3.14 समथिंग हुंदी है 22/7. सो क्लीयरली माइनस 3.14 समथिंग प्लस वन क्लीयरली दिस इज ए नेगेटिव नंबर. सो एफ ओ ए पॉजिटिव एफ ओ बी नेगेटिव आलसो क्योंकि फंक्शन का सारे रियल नंबर से कंटिन्यूज आ सैट ऑफ रियल नंबर से देयर फोर आलसो एफ एक्स साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज कंटिन्यूज इन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई. नाउ दिस इज ए दिस इज बी एफ ऑफ एफ ऑफ बी द ऑपोजिट साइन आ फंक्शन कंटिन्यूज आ क्लोज इंटरवल ए बी च देयर फोर बाय बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो. इहदा मतलब यह हो गया कि जीरो तो लैके पाई तक तुहानू एक सी की वैल्यू इदां दी जरूर मिल जाएगी वेयर एफ ऑफ सी इज जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ
डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर एन। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बाय टू। वी आर टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू वन। असि एक तो वन पॉइंट की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। आलसो एक्सप्लेन वाई एफ डज नॉट वैनिश एनीवेयर इन द क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बाय टू। आल दो एफ ऑफ जीरो एंड एफ ऑफ पाई बाय टू हैव ऑपोजिट साइन। जिदा कि असी रूट लोकेशन थ्योरम की कन्वर्स की तुम मैं गल की सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। या तो इतने तक तो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, लेकिन तो क्वेश्चन ये भी आ सकता कि शो करो कि रूट लोकेशन थ्योरम का कन्वर्स होल्ड नहीं करता। देखो इतने बड़ा इंपॉर्टेंट दिता हुआ कि एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी का ऑपोजिट साइन आ, बट इस क्लोज इंटरवल दे विचकार कोई भी सी इदां दा नहीं है जिस जिथे एफ ऑफ सी की होएगा जीरो। डज नॉट वैनिश एफ ऑफ सी की वैल्यू किते भी जीरो नहीं है इस क्लोज इंटरवल ए टू बी दे विचकार। क्यों नहीं है? ठीक है, वो असी दसांगे क्योंकि फंक्शन है जो असी कंटिन्यूटी डिस्कस करांगे। जिदा कि मैं तुहानू ग्राफ भी ड्रा करके दिता सी कि अगर फंक्शन का कंटिन्यू होना भी जरूरी है, एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी का ऑपोजिट साइन हो सकता, लेकिन फंक्शन कंटिन्यू भी होना चाहिए। यह ना हो जिस पॉइंट से जाके उन्हें जीरो बनना सी उथे फंक्शन डिसकंटिन्यूज बन गया। सो हुण असी यह शो करांगे कि वन ते फंक्शन कंटिन्यूज नहीं है क्योंकि उन्हें कंटिन्यूटी चेक करने को कहा। तुसी एग्जाम्पल याद भी करनी है क्योंकि जरूरी नहीं तो इतने एफ एक्स गिवन होए जो थानू तो कन्वर्स पूछा जाएगा। ओके, तो तुसी एग्जाम्पल एज इट इज याद करनी है। नाउ वी विल सब तो पहला तो असं डिस्कस करांगे दी कंटिन्यूटी। नाउ फंक्शन की गल करिए। नाउ फंक्शन एफ एक्स दैट इज ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फ्रॉम जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई बाय टू। नाउ एक्स टू द पावर एन, देखो ये तुहाडे कोल बन रहा जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई। पाई की वैल्यू जिदा 3.14 अगर आप कंसिडर करिए तो यह तुहाडे कोल बन गया 1.57 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। सो जीरो तो लैके 1.57 की अगर असी गल करिए। नाउ अगर नंबर देखो इतने तुहाडे कोल लिमिट आ रही है एक्स टू द पावर एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी। अगर दा नंबर जीरो लैस देन वन है दैन एक्स टू द पावर एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी की आएगा तुहाडे कोल जीरो। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0.1 गल करिए, 0.1 का स्केयर किया 0.01, क्यूब किया 0.01 होर छोटा हो गया, पावर 4 करांगे होर छोटा हो जाएगा। सो अगर पावर इनफिनिटी करती है तो जीरो नूं अप्रोच कर जाएगा। तुसी कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो, एक्स की वैल्यू कोई भी कंसिडर कर सकते हो, बट इट शुड बी लैस दैन वन। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू वन होएगी दैन लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी एक्स टू द पावर एन क्लीयरली दिस विल बी इक्वल टू वन। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन वन होएगी दैन लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी एक्स टू द पावर एन विल अप्रोच टू इनफिनिटी। सो साडे कोल जिहड़ा एक्स टू द पावर एन फंक्शन आ इट डिपेंड्स अपॉन एक्स कि एक्स की वैल्यू लैस दैन वन है या इक्वल टू वन है या ग्रेटर दैन वन। सो क्योंकि इतने लैस दैन वन वाले पॉइंट भी आते हैं, इस इंटरवल की गल करिए असी इक्वल टू वन भी आ रहे हैं ग्रेटर दैन वन भी आ रहे हैं। सो इतने असी सारे केस डिस्कस करांगे। नाउ क्लीयरली
एफ एक्स की अगर असी गल करिए, अगर जीरो लैस दैन वन है दैन इट इज बिकमिंग इज जीरो। सो वैन एक्स इज लैस दैन वन बट ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, सो दिस फंक्शन दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो एज लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी। सो ओनली वी विल गेट ई टू द पावर एक्स ओवर वन मीन्स ई टू द पावर एक्स। सेकेंड, अगर एक्स की वैल्यू वन है तो दिस विल बिकम वन वन, सो ई टू द पावर वन माइनस साइन वन डिवाइडेड बाय टू, वन प्लस वन टू। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन वन, सो ए इन्फिनिटी बन जाएगा, ए भी इन्फिनिटी बनेगा। सो फिर लिमिट नू कितना सॉल्व करना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ग्रेटर फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स टू द पावर एन, दिस इज बिकमिंग इन्फिनिटी। सो टेक एक्स टू द पावर एन कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, टेकिंग एक्स टू द पावर एन कॉमन, ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन। सो ये फैक्टर कैंसल हो जाएगा। नाउ एक्स टू द पावर एन इनफिनिटी बन रहा है, एक्स टू द पावर माइनस एन विल बिकम जीरो, सो दिस विल बिकम जीरो, सो जीरो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन, सो दिस विल बिकम माइनस साइन एक्स। सो देयर फोर एफ एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन पाई बाय टू, ओके ग्रेटर देन वन बट लेस देन पाई बाय टू, देन दिस फंक्शन एफ एक्स विल बिकम माइनस साइन एक्स। नाउ साइन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, सो दिस विल बिकम माइनस साइन वन, ओके। सो अगर राइट हैंड लिमिट की गल करिए इस फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी साइन वन वन, ते अगर वैल्यू की गल करिए दिस विल बिकम ई टू द पावर माइनस साइन वन ओवर टू, ते अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की गल करिए दिस विल बिकम ई टू द पावर वन, ओके। नाउ ग्रेटर दैन वन ली फंक्शन साढ़े को बन जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स पर एक्स एक्स टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। सब तो पहला असी लेफ्ट हैंड लिमिट करांगे, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स, क्लियरली दिस विल बिकम फंक्शन एक्स एक्स की वैल्यू लेस देन वन है, एफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर एक्स, सो दिस विल बिकम ई टू द पावर वन। ते राइट हैंड लिमिट की गल करिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स, सो जिदा कि असी पहला भी डिस्कस किया, दिस विल बिकम माइनस साइन वन। क्लीयरली बोथ आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफोर अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती फंक्शन डिसकंटिन्यूज होएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन ते फंक्शन डिसकंटिन्यूज आ। नाउ एफ एक्स डिसकंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ जीरो विच इज एफ ऑफ जीरो की अगर असी गल करिए वापस, नाउ ई टू द पावर जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन, सो दिस विल बिकम ई टू द पावर जीरो विच इज वन ग्रेटर दैन जीरो। एफ ऑफ पाई बाय टू की गल करिए दैट इज माइनस साइन पाई बाय टू विच इज माइनस वन नैगेटिव, एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ एफ ऑफ बी नैगेटिव आ, क्योंकि फंक्शन जीरो तो पाई बाय टू के विचकार वन पॉइंट से फंक्शन डिसकंटिन्यूज आ, इस करके सानू कोई इदां दा पॉइंट नहीं लभ्या
जीरो टू पाई बाय टू के विचकार जिथे एफ ऑफ सी की वैल्यू की सी जीरो मीन वी कुड नॉट फाइंड सी बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय टू वेयर सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो. सो दिस वॉज दी बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम. नाउ ट्राई टू प्रैक्टिस ऑफ दिस थ्योरम. सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम न्यू थ्योरम्स मोर थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस. थैंक यू.